नागपुर जिला नियोजन समिति की सभा आज नागपुर स्थित वसंतराव देशपांडे सभागृह में संपन्न हुई। जागत वर्ष के निधि और खर्च के समीक्षा साथ ही साथ इस वर्ष की निधि प्रबंधन के विषय में चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता नागपुर जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। गौरतलब है कि इस सभा में जिला अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र के विकास प्रबंधन हेतु चर्चा की गई, जहां रास्ते विकास एवं रीति व्यवसाय के विभिन्न पहलू एवं योजनाओं के संबंध में विचार विमर्श हुआ। जहां ओबीसी प्रवर्ग को मिलने वाले घरकुल के विषय में पूर्व मंत्री एवं काटोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल देशमुख ने सवाल उपस्थित किया, जहां उन्होंने मतदार संघ अंतर्गत कम घरकुल मिलने की बात कही, जिस पर पालक मंत्री ने जवाब भी दिया। साथ ही साथ इस समय मौजूदा पदाधिकारियों ने मुद्दे उपस्थित किए। इस समय पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत जिलाधिकारी विपिन इटनकर, संबंधित प्रशासकीय अधिकारी और सांसद कृपाल तुमाने, विधायक आशीष जायसवाल, विधायक प्रवीण दटके, विधायक समीर मेके, विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक नितिन राउत, विधायक अनिल देशमुख, चंद्रशेखर बावनकुड़े, विकास ठाकरे, विधायक टेकचंद सावरकर आदि उपस्थित थे। जिला नियोजन समिति की सभा में जानकारी देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री और नागपुर के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी प्लान के विषय में बताया, जहां उन्होंने कहा कि आज की सभा में जिला अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र के विकास प्रबंधन हेतु चर्चा की गई और गत वर्ष के निधि एवं खर्चे के विषय में समीक्षा की गई, जहां स्थिति समाधानकारक प्रतीत हो रही है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी प्लान के लिए नियुक्त किया गया है, उनकी प्रतिक्रिया लेकर आगे क्या किया जाएगा, ऐसी प्रतिक्रिया पालक मंत्री फडणवीस ने दी। आज नागपुर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली। जो काही जिल्ह्याचं मागच्या वर्षीचं नियोजन आहे त्याचा आढावा आम्ही घेतला, पुढच्या वर्षीचं काय नियोजन करायचं त्या संदर्भात चर्चा केली। एकूणच जे काही निधी वितरित केला आहे त्याच्यामध्ये खर्चाची परिस्थिती समाधानकारक आहे। काही नवीन योजना हातामध्ये घेऊन विशेषतः जे पाणंद रस्ते आहेत ते आपल्याला कसे करता येतील या संदर्भातली नवीन योजना आम्ही आता कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत। साथ ही साथ उन्होंने इस वक्त रेती व्यवसाय के रुकने का कारण बताया कि कई रेती घाटों की इसी समाप्त हुई थी, लेकिन अब वह रिन्यू हो रही है, हम ये समस्या महीने भर में सुलझाएंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। नाही, आता त्या संदर्भात मुळात नागपूरची घाटांची ईसी संपली होती, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम तयार झाला होता, पण आता ती ईसी जवळपास नव्याने तयार झाली आहे, त्यामुळे येत्या महिन्याभरात हा प्रॉब्लेम आम्ही सॉल्व्ह करू। इस समय रामटेक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक आशीष जायसवाल ने जिले के विकास हेतु किए गए प्रबंधन के विषय में समाधान व्यक्त किया। अतिशय महत्त्वाची बैठक आज झाली, विशेष करून नागपूर जिल्ह्याचा जो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचा प्लॅन तयार केलेला आहे, स्ट्रॅटेजी प्लॅन हा आयएमने तयार केला आहे, त्याच्या संदर्भामध्ये निश्चितच एक महत्त्वाचा पाऊल तो या जिल्ह्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी राहणार आहे आणि एकंदरीत जिल्ह्याच्या सर्व वेगवेगळ्या विषयावर, विशेष करून शेतपाणी रस्त्यासाठी आता जे सर्वात दुर्लक्षित विषय होतं त्या विषयामध्ये नागपूर जिल्ह्याचा जो मॉडेल आहे तो पूर्ण महाराष्ट्रात कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करता येईल त्या दृष्टीने देखील प्लॅन झालेला आहे आणि पहिल्यांदा ग्रामीण रस्त्यासाठी इतिहासात कधी मिळालं नाही तेवढं निधी पहिल्यांदा आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे आणि पहिल्यांदा ग्रामीण भागाच्या रस्त्यासाठी इतका निधी मिळाल्यामुळे गावागावांचे रस्त्यांची परिस्थिती सुधरत आहे। पहिल्यांदा बजेटमधून निधी दिलेला आहे आणि आता व्ही आर ओडीआर रस्त्यासाठी देखील आता हॅमचा प्रोजेक्ट सरकार करत आहे। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।